नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश भलेराव। आप देख रहे हो मेगा फोटो स्टूडियो चैनल। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो गई कि आपने मेरा चैनल अभी तक देखते आ रहे हो, और इतने सब्सक्राइबर, अभी 50,000 सब्सक्राइबर भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे आपकी वजह से। आपका जो प्यार मिला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आपने कल का वीडियो देखा ही होगा, जो गोडेक्स का SK400 लाइट का जो अनबॉक्सिंग किया आपने, वो वाला। उसमें मैंने कुछ फीचर्स बताए लेकिन ज़्यादा नहीं बताए। तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल सीखेंगे, इसका बेसिक वर्किंग और एडवांस वर्किंग, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है इस लाइट को, उसके बारे में। तो दोस्तों, कभी भी होता क्या है, जब स्टूडियो में फोटोग्राफी करना है या इवेंट में फोटोग्राफी करना है, उसके लिए आपको सबसे कम अपर्चर की जरूरत होती है। नंबर कम 16, 22, 32, 36, यानी कि कम अपर्चर, बराबर है। और जो बड़ा अपर्चर होता है 1.8, 2.8, ये हो गया बड़ा अपर्चर। तो कम से कम अपर्चर क्यों चाहिए? मुझे इमेज में कहीं पर ग्रुप फोटो रहे या स्टूडियो का फोटो रहे या पोर्ट्रेट फोटो रहे, लेकिन वो फोटो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा क्लियर कट फोटो चाहिए, मतलब कि डीप डीप तक फील चाहिए। उसमें कहीं पर ब्लर नहीं होना चाहिए। तो मेरा समझो कि 8-10 आदमी का फोटो है, वो कहीं पर आपको, मुझे भी कहीं ब्लर नहीं चाहिए, या तो बीच वाला भी आदमी उतना ही क्लियर कट और लास्ट वाला आदमी उतना ही क्लियर कट। इतनी सेटिंग लाने के लिए आपको एपर्चर की जरूरत पड़ती है। वो होता है, एपर्चर पे डिपेंड होता है वो क्लियर कैसे आता है। तो मैंने इसके टॉपिक पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, तो भी आपको मैं बताता हूँ अभी भी। तो उसके लिए एपर्चर की जरूरत पड़ती है। कितना एपर्चर की जरूरत पड़ती है? जितना कम से कम एपर्चर होगा उतना आपको डीप डीप तक फिल्म मिलेगी। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब कि आगे वाला भाग, सब्जेक्ट का आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, वो सबसे ज्यादा ब्लर होता है, उसे कहते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और डीप डेप्थ ऑफ फील्ड जो कहीं पर भी ब्लर नहीं होगा, स्टार्ट टू लेकर एंड तक, पोर्ट्रेट से खड़ा या नीचे तक कहीं पर ब्लर नहीं होगा, उसे कहते हैं डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। तो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मुझे एपर्चर कम से कम 11 के ऊपर मिलना चाहिए। जो एफ स्टॉप होता है, एपर्चर स्टॉप, वो कम से कम मीडियम जो एपर्चर होता है, लेंस का एपर्चर, बीच वाला एपर्चर, उसके नीचे चाहिए, कम से कम एपर्चर पे चाहिए। तो क्या होगा, जब मेरा एपर्चर रहेगा 11 या 16 या 22 या 18, इसमें क्या होगा कि कम से कम एपर्चर पे डीप डीप तक फिल्म मिलेगी। तो ये जो लाइट है इसको 18 का एपर्चर मिल जाता है, 100 का शटर स्पीड, 18 का एपर्चर और 200 का आईएसओ इस लाइट पर। यह भी मैंने गिना है, कम से कम 15 फुट पर मैंने लाइट रखी थी और मैंने कुछ शॉट निकाला, वो मैं लास्ट को दिखाऊंगा आपको कि इस लाइट में वही सेटिंग मिली है, और कैमरा में भी दिखाऊंगा। तो चलिए इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको कह देता हूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको इस लाइट का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके फीचर्स कैसे इस्तेमाल करना है, उसको अपडेट क्या है उसके अंदर, ये सारे डिटेल मैं बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ये जो लाइट है गॉडेस का SK400, इसका प्राइस अभी मार्केट में आज की डेट में 2018 है, फेब्रुआरी 2018, आज के डेट में वो मिलती है आपको 20,000 से लेकर या 23,000 के रेंज में मिल जाएगी। मैंने जो खरीदा है वो 22,000 रुपये में। मैं पूना से रहता हूँ, तो मैंने पिंपरी चिंचवड़ में जो लाभिका फोटो स्टूडियो है, पिंपरी चिंचवड़ में स्टेशन रोड पर, वहां से मैंने खरीदा है। तो आप पूना में रहते हो तो वहां जाके खरीद लीजिए। ये लाइट लेने की मैं वजह बताता हूँ आपको, कितनी अच्छी लाइट है, ये स्टूडियो के लिए भी और इवेंट के लिए भी, ये सारी जगह के ऑल इन वन बेस्ट लाइट है मेरे हिसाब से। तो इसका जो आगे पहला जो वर्जन है SK300 और ये 400 वोल्टेज का, 300 वोल्टेज का एक तो बेसिक लाइट है और 400 वोल्टेज का
वो मीडियम लेवल का लाइट है, और इसका आगे का जो वर्जन है वो 600, 600 में भी दो लाइट है, QS 600 और कुछ तो 600 है। चलो रहने दो, सारे लाइट में सेम फीचर है, सिर्फ लाइट वोल्टेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये मीडियम लेवल की लाइट है, लेकिन ये लाइट मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने जो रीजन देखा है इसका, वो मुझे एपर्चर बहुत बढ़िया मिल जाता है, उसका 18 तक एपर्चर मुझे मिला है, लगभग 15 से 20 फुट के डिस्टेंस पर। मैं आपको लास्ट तक फोटो दिखाऊंगा उसको भी, उसके जो फोटो मैंने क्लिक किया है उसके ऊपर वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ ये लाइट कैसा है। ये इसका जो मॉडल नंबर है SK400 Mark II, 20 से 22 23 हजार रुपये के रेंज में आपको मिल जाएगी, मैंने खरीदा है 20 हजार रुपये में, ठीक है। तो फिर से कह देता हूँ, और इसका मैक्सिमम जो ISO सेंसिटिव है वो 100 का है, और उसका ग्रिड नंबर है ये 65 ग्रिड नंबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रिड नंबर होगा उतना पावर आपको सबसे ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। लगभग तो इतना ही ग्रिड नंबर रहता है, 65 या 70, ठीक है। सारे हाई स्पीड जो लाइट होते हैं, सबसे बेस्ट लाइट होते हैं, उसका भी यही ग्रिड नंबर आज तक मैंने देखा तो इतना ही है। तो इसका कलर टेम्परेचर 5600 है, मतलब कि जो व्हाइट बैलेंस आने वाला है, व्हाइट बैलेंस आपको मिलता नहीं ना कभी भी, वो एक तो रेड या येलो या ब्लू ऐसे हो जाता है ना, इसका जो व्हाइट बैलेंस है वो एकदम आपको एक्यूरेट या परफेक्ट मिल जाएगा 5600 केल्विन टेम्परेचर पर ही। या तो आप थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो 5200 पे आपको एकदम राइट केल्विन टेम्परेचर मिल जाएगा। अगर आपके पास बेसिक कैमरा है तो उसमें कस्टम सेव कीजिए, अगर कस्टम लाइट व्हाइट बैलेंस देखना चाहते हो यहाँ पर मैं लिंक देता हूँ, वो जाकर आप देख सकते हो। एकदम क्विक सेकंड में फायर होता है, 0.4 या 3 सेकंड के अंदर वो रिचार्ज होके फायर हो जाता है। रिचार्ज तो इसको क्या, चार्जिंग नहीं है, लेकिन वो लाइट की सेंसिटिव है। और ये हाई स्पीड लाइट है, मतलब कि 8000 या 2000 सेकंड पर भी आप फायर कर सकते हो। जो कैमरा का शटर स्पीड होता है, अपना हाई स्पीड सिंक्रो फोटो खिंचवाना चाहते हो आप फास्ट सिचुएशन के या गति के, जो भी कुछ हो फास्ट सिचुएशन के, वो आप इसमें 2000 सेकंड पर भी फोटो खिंचवा सकते हैं। इसके जो लाइट स्टॉप है, ये इसका लाइट कम से कम है 1/16 का पावर है, और सबसे ज्यादा जो पावर है 1/1 का, ठीक है। ये कम से कम पावर हो गया 16 का, 1/16 का, और ये देखिए 1/1 का फुल पावर है, ठीक है। मतलब कि स्टॉप कितना हो गया, 1/1 का एक फुल पावर, 1/2 का दो पावर, 1/4 का तीन पावर, और 4/8 का फोर पावर, और 8 से 16 का पांच पावर, पांच स्टॉप लाइट, ठीक है। पांच स्टॉप लाइट मिल जाती है, वो भी प्रॉपर डिस्टेंस पे पांच स्टॉप लाइट मिल जाती है। अब जान लेते हैं उसको फीचर्स और बटन के बारे में। तो ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसको ऑन कर देता हूं दोनों को भी। तो ये ऑन ऑफ है, यहां पर टेस्ट बटन है टेस्ट करने के लिए, ओके। और ये जो ऊपर का बटन है ये सेट करने के लिए, ओके, और सेट करने के लिए बटन है, और इसको एक रिंग डायल भी है पावर कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। इसको 1 से लेकर 5 स्टॉप फुल 5 5 स्टॉप लाइट है, ये हो गया फुल पावर, 1/1 का फुल पावर, ठीक है, और 1/16 का लो पावर, और ऑफ भी होता है इसी से ही, ये ऐसे ऑफ भी होता है, ठीक है, ओके सेट। ये तीन बटन हो गए, उसके बाजू में जो मॉडलिंग लैंप का बटन है ऑन और ऑफ सेट करने के लिए, ऐसा टेस्ट करना पड़ेगा तभी तो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मोड बटन है, हाँ, मॉडलिंग लैंप का बटन है, आगे का जो लाइट है वो चालू और बंद हो जाता है, ये देखिए ओके ऑफ हो गया। और ये जो बाजू का है, ये बास का बटन है, यानी कि जो बीप वार्निंग मिलेगा ये वार्निंग बंद और चालू, आपको बंद रखने की चालू रखने की, मतलब कि मैंने इसको जो चैनल है 32 चैनल है, अलग अलग 32 लाइट लगाया, अलग अलग कितने भी लाइट लगाया, और ये लाइट कौन सी फायर होने हो रही है वो सुनने के लिए इसको बीप वार्निंग दिया है, तो आप उसका आवाज भी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा फीचर है उसके लिए, बास का बटन ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर S1 और S2 दो मोड के बटन है,
यानी कि जो अलग से कोई भी फ्लैश हो आपके पास, चाइना के फ्लैश हो या सिंफेक्स हो, डिजिटेक हो, कोई भी फ्लैश हो कैमरे के ऊपर का जो फ्लैश है, उसे से ES1 और ES2 से आप फायर कर सकते हो। उसमें बाजू का जो बटन है ग्रुप और चैनल का बटन है, यहाँ से आप ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो, ABCDE और 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बहुत कुछ उसको चैनल है। यह आप देख सकते हो इसमें 1 से लेकर 9 तक चैनल है इस ट्रिगर को, और ABCD से लेकर EF तक, ABCDEF, इतने सारे ग्रुप है उसको, ठीक है। और बाकी इसमें दोनों में क्लियर ऑल करने के लिए, मतलब कि रिसेट करने के लिए, लाइट रिसेट करने के लिए 2 बटन प्रेस किया तो लाइट रिसेट हो जाता है दोनों भी। कैमरे से करना चाहते हो तो कैमरे से भी फीचर्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और नीचे जो USB दी हुई है, ये USB इसलिए दी हुई है कि मतलब कि जो कोई अलग से लाइट हो तो उसका भी एक ट्रिगर आ जाता है, USB ट्रांसमीटर आ जाता है, ये यहाँ पर लगाकर आप दूसरी भी लाइट फायर कर सकते हो। और ये जो नीचे का सिंक्रोनाइज का जो केबल दिया है वो भी वैसा ही है, कोई भी अलग से ट्रिगर हो सिंक्रोनाइज केबल वाला, वो भी यहाँ लगा के आप वैसे भी कर सकते हो, या USB वाला ट्रिगर हो, आगे आने वाले जो फीचर्स के जो ट्रिगर हो गए वो USB वाले हो गए, तो USB लगाकर भी आप वो लाइट सिंक्रोनाइज कर सकते हो अलग से, मतलब USB और सिंक्रोनाइज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको इनबिटी वायरलेस ट्रांसमीटर है, तो आप इसी से ही ट्रिगर से ही कौन से गॉडेस का जो ट्रिगर है, X1 ट्रिगर है, ऑल इन वन है, या डिजिटल ट्रिगर है, और भी कुछ एडवांस डिस्प्ले वाला कुछ पता नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो आता है EXT60 जो ट्रिगर है, ये भी ट्रिगर मैनुअल ट्रिगर है, सिर्फ इसको कुछ TTL दिया नहीं है। TTL होने के लिए आपको ऐसे अलग अलग से डॉट लगेंगे जो कि कैमरे के ऊपर जो डॉट होते हैं। एक निकॉन कैमरा यूज करता हूँ तो मैं, निकॉन के लिए है, अगर कैनन का, सोनी का, आपको हर एक टाइप का ट्रिगर लेना पड़ेगा, अलग अलग टाइप से होता है, हर एक कैमरा का अलग अलग ट्रिगर होता है, अलग अलग डॉट्स होते हैं, ये TTL है या मल्टी है या आपको मैनुअल करना है या भी और कुछ अलग अलग से बहुत सारे डॉट्स होते हैं, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है। और ये जो मेन बीच का जो डॉट्स है ये मैनुअल यूज करने के लिए होता है, तो आप जानते हैं कि ट्रिगर के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रिगर को कैसे यूज करना है, और ग्रुप और चैनल कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में। तो ट्रिगर के आपको मैं थोड़े से बटन बताता हूँ, इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ से, ये AA बैटरी से चल जाता है, देखिए बड़े दो AA बैटरी है, ओके। और यहाँ पर एक टेस्ट बटन है पहले चेक करने के लिए, ये टेस्ट बटन हो गया। यहाँ पर पावर कम या ज़्यादा करने के लिए अप डाउन बटन है, प्लस माइनस, और ऊपर लैम्प बटन है, इसी से ट्रिगर से ही आप लाइट चालू या बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर बाज है, यानी कि जो आवाज़ है, बीप वार्निंग मिलती है, ये भी आप इसी से बंद या चालू कर सकते हैं। देखिए अभी ऑन हो गई, आवाज़ आ जाएगा, बंद हो गई तो बंद हो जाएगा। ये एक सेट करने का बटन है ओके करने के लिए, और ये मेन सेटिंग है ग्रुप और चैनल, ठीक है, ये मेन करना है। अगर आप ABCDEF तक चैनल है उसको 6 ग्रुप है, और चैनल उसको 9 चैनल है, 9 चैनल है, ठीक है। और इसी से भी एक 4 चैनल है, 4 अलग अलग लाइट, आप एक सिंगल सिंगल लाइट चालू बंद करने के लिए ये भी स्विच दिया है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ। अगर आपको ट्रिगर से ही लाइट ऑफ करनी है, मतलब कि ये फायर नहीं होगा, तो आप यहाँ से माइनस की तरफ जाके आप ये लाइट पूरी बंद कर सकते हो। अभी देखिए लाइट ऑफ हो गई, फायर नहीं होगा। अगर ऑन करना है तो इसका जो पावर है बढ़ा दिया तो ये चालू हो गई। अगर मुझे इसको एक ही लाइट ऑन रखना है तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसको ये और इसको बी ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, इसको ए ग्रुप है और इसको बी ग्रुप है, बी ग्रुप देता हूँ, ओके। ये हो गया 2 लाइट के अलग अलग ग्रुप, ठीक है। इसी से भी वैसे अगर यहाँ पर जो स्विच है इसमें ये ग्रुप है और यहाँ पर बी ग्रुप है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ये ग्रुप पे सिलेक्ट है तो मैं सिर्फ ये ग्रुप की लाइट की
पावर कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इसके ऊपर सिर्फ काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसके पावर कम या ज़्यादा करना है, ये देखिए अभी मैं इसका लो पावर है तो मैं इसको पावर बढ़ा देता हूँ, 1/3 से होगा इसी से। देखिए अभी 1/8 का पावर हो गया, दूसरे लाइट का पावर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको बात चालू कर देता हूँ तो आवाज़ आ जाएगा। ओके ठीक है, इसका मैं 1 फुल पावर भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे ये लाइट ऑफ करनी है तो मैं बी ग्रुप पे सिलेक्ट करूँगा और इसको माइनस की तरफ लेके जाऊँगा तो ये लाइट बी वाला ग्रुप ऑफ हो जाएगा। सिर्फ ये ही वाला ये ग्रुप है, वही लाइट एक ही फायर हो जाएगा। ये देखिए अभी ये ग्रुप पर है, इसके जो पावर है 1/1 का फुल पावर है, तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ इसी से। इसको 128 का पावर नहीं है, ट्रिगर में है। अगर ये ट्रिगर दूसरे लाइट को, किसी लाइट को भी यूज होता है गोडेक्स से ही, तो इसको 16 का पावर है कम से कम, तो ये 16 का। ठीक है, अगर मुझे ये इस लाइट ऑफ कर कर अभी ये लाइट चालू करना है तो मैं इसको, ये लाइट को माइनस की तरफ लेके जाऊंगा और इसको ऑफ करूंगा ए वाले ग्रुप को, और बी वाला ग्रुप ऑन करता हूँ। ठीक है, बी वाले ग्रुप पे ले लिया और बी वाला ऑन किया, 16 का पावर। ओके, अभी यही लाइट फायर हो रही है, दोनों भी करना है तो इसका भी और उसका भी सेम पावर आप करके दोनों भी फायर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई इवेंट पे जाते हो फोटोशूट के लिए, वहाँ पर आपके सामने गॉडेस का ही लाइट स्टूडियो वाले का है, अगर आपके पास या तो 4 यूनिट लाइट है तो आप एक तो बैक लाइट एक यूज़ करना चाहते हो, फ्रंट लाइट 2 यूज़ करना चाहते हो, एक को एक ही तरफ लाइट गिनना है। मतलब कि मुझे होता है कभी कभी जब मैं लाइट मीटर लेके जाता हूँ तो मुझे एक एक लाइट का पावर गिनना पड़ता है कि इसको मुझे 4 स्टॉप लाइट देना है या 1 देना है या 2 स्टॉप देना है, एक को कम करना है दूसरे को ज़्यादा करना है, तो तभी ये चैनल का यूज़ हो जाएगा। चैनल का यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे किया जाता है, तो मैं यहाँ पर जो ग्रुप का बटन है ये 2 सेकंड प्रेस करके चैनल पे आ जाएगा, तो यहाँ पर चैनल सिलेक्ट हो जाएगा। इसी से 32 चैनल है इसके अंदर, आप ऐसे अलग अलग 32 चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने भी लाइट हो आपके 32 लाइट तक तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 2 पे लेता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए चैनल का जो स्विच है एक ऊपर गया है, तो मुझे यहाँ पर भी एक नंबर का स्विच ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही ये लाइट फायर हो जाएगा, ये लाइट फायर नहीं होगा, सिर्फ एक लाइट फायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चैनल की सेटिंग। अगर इसको भी करना है तो इसको 2 नंबर का चैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिर से वापस लेता हूँ। ओके ठीक है, अब जानते हैं कि कैमरे में सेटिंग कितना रखना चाहिए, तो हाई स्पीड कैसे यूज़ करना है और इसके लाइट की जो मेन सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो शटर स्पीड है ये डिफ़ॉल्ट होता है 125 का, लेकिन मेरे लाइट मीटर में मैंने 100 का सिलेक्ट किया है, मुझे ज़्यादा शटर स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कैमरे का फ्लैश शटर स्पीड होता है वो 200 ही रहता है, हर एक कैमरा का 200 या 250 या किसी का 160, 6D कैमरा है तो उसको 160 शटर स्पीड है, फ्लैश शटर स्पीड, किसी कैमरा को 200 होता है, किसी कैमरा को 250 होता है, तो इसीलिए। लेकिन स्टूडियो में या पोर्ट्रेट एक जगह पे आप फोटो शूट कर रहे हो तो उसको शटर स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बढ़ाना भी नहीं चाहिए कभी भी। डेप्थ ऑफ फील्ड पे ध्यान देना चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी तो उसको सिर्फ एपर्चर पे ही लाइट कम या ज़्यादा करना पड़ती है। अगर ये लाइट यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ एपर्चर पे ध्यान देना है और कम से कम ISO पे, कम से कम ISO
पे स्मूथ इमेज आ जाएगी, नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ जाता है, कम से कम आईएसओ 100 का होता है, ठीक है। और जो मीडियम पुरानी जो कैमरे डिफॉल्ट कैमरे है उसको 200 का आईएसओ है, वो भी लो ही आईएसओ 150, 100 और 200 ये लो आईएसओ होते हैं। तो मैं इसमें 200 का आईएसओ सिलेक्ट किया और शटर स्पीड मैं 100 का सिलेक्ट करता हूँ और ये अपर्चर बच गया, ठीक है। तो अपर्चर ये यहाँ पर जो लाइट मैंने फायर किया है, अब कैमरे में जानना है कि मुझे ओवर इमेज है कि अंडर इमेज है। अगर मेरा 5.6 का अपर्चर है, देखिए अभी मैं 5.6 का अपर्चर किया, ठीक है, और ये फोटो मैंने फायर किया तो ये एकदम ओवर लाइट फोटो हो गया, ठीक है। ये फोटो पूरा जल गया, यहाँ पर हिस्टोग्राम भी हाईलाइट करता है, पूरी डिटेल जल गई है, ठीक है। तो मुझे राइट एक्सपोजर क्या है लाने के लिए मैं अपर्चर करता हूँ 18 का और ये फायर, अभी भी थोड़ा सा ओवर है तो क्योंकि ये नज़दीक है इसलिए, देखिए आप एकदम राइट एक्सपोजर है, ठीक है। हिस्टोग्राम देखिए एकदम राइट एक्सपोजर है, कुछ भी ओवर नहीं है और अंडर भी नहीं है, तो ये हो गई राइट एक्सपोजर इमेज। तो आपको कभी भी कैमरा का हिस्टोग्राम और डिस्प्ले पर भी ध्यान देना पड़ता है कि लाइट कितना है, या तो फिर आपके पास मीटर होना चाहिए, या ऐसा लाइट मीटर होता है, ये मेरे पास सिकोनिक का लाइट मीटर है, यहाँ से अपर्चर बता देता है, लाइट के सामने जब मैं रखता हूँ और यहाँ पर फ्लैश फायर करेगा तो अपर्चर बता देगा कि इस लाइट के सिचुएशन के लिए आपको कितना अपर्चर रखना है कैमरा में, ठीक है। मैं इसमें सिलेक्ट रहता है शटर स्पीड और आईएसओ और अपर्चर, लाइट जब फायर होता है तभी बताता है कि अपर्चर कितना लगता है, ठीक है। तो ये भी सही तरीका है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैमरे से भी राइट एक्सपोजर निकल सकते हो, सिर्फ आपको ओवर और अंडर ये पता होना चाहिए। तो आप ये भी जानना चाहते हो तो राइट एक्सपोजर क्या है, तो मेरा राइट एक्सपोजर वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि आपको हिस्टोग्राम कैसा है, ओवर एक्सपोजर अंडर एक्सपोजर का भी वीडियो है, मैं नीचे लिंक देता हूँ वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर मुझे हाई स्पीड की लाइट यूज़ करना है तो मुझे ये ट्रिगर पर हाई स्पीड नहीं हो जाएगा, अगर मैं हाई स्पीड पर जाऊँगा तो ये शटर बंद हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको हाई स्पीड ज़्यादा शटर स्पीड करता हूँ 200 के ऊपर, ये जो कैमरा है 80D कैमरा कैनन का, इसका फ्लैश शटर स्पीड 200 का है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाकर 640 पे शटर स्पीड पे लिया तो ये देखिए हाफ शटर पड़कर एक शैडोज आ जाते हैं। ये देखिए अभी ज़्यादा हो गई थोड़ी, 1 2, ठीक है, यहाँ पर नीचे ब्लैक शैडोज आ गई और हाफ हाफ लाइट पड़ गई, ठीक है। तो ये ना आने के लिए अपने कैमरा का जो फ्लैश शटर स्पीड होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैमरा का फ्लैश शटर स्पीड 200 ही। अगर मुझे हाई स्पीड पे निकलना है तो कैमरा में हाई स्पीड सेटिंग करना पड़ेगा, हाई स्पीड सिंक्रो पर, और ऑफ कैमरा फ्लैश फायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये ट्रिगर काम नहीं देगा, उसके लिए X1 ट्रिगर लगेगा, जो कि उसका जो डॉट्स है आपको दिखाया मैंने, ये जो डॉट्स है और TTL मल्टी और यूज़ करने के लिए अलग से डॉट्स होते हैं, तभी वो हाई स्पीड पे लेगा। ये लाइट तो हाई स्पीड है लेकिन ट्रिगर हाई स्पीड नहीं है। कैमरा में जो शटर स्पीड अपर्चर आईएसओ होता है 1/3 से डबल इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाया, आप पहली बार फोटोग्राफी जानना चाहते हो तो प्लीज वो भी वीडियो देख लीजिए, वो सबसे काम का वीडियो है आपका। आपको अपर्चर स्टॉप, शटर स्पीड स्टॉप, आईएसओ स्टॉप, ये क्या होते हैं, कैसे यूज करना होता है, ओवर एक्सपोज क्या है, अंडर एक्सपोज क्या है, राइट एक्सपोज क्या है, फ्लैश एक्सपोजर क्या है, ये सारे के ऊपर डिटेल की वीडियो में, ये आप सारे वीडियो मुझे मेरे देख सकते हो, नीचे लिंक है माय वीडियो की, वहां से देखकर जाकर आप मेरा पूरे वीडियो देख सकते। तो इसी से 1/3 से स्टॉप हो जाते और इस लाइट से 1/10 से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गए हो तो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।